महाराज जी के पास एक प्रेमी इतने चंडीगढ़ रहा है, मेरी ड्यूटी लगी हुई सी। मैं उदन चरण पवा रहा, गर्मी बहुत ज्यादा सी, चंगे चंगे घर एयर कंडीशन जेड़े घर से, मैं क्या महापुरुषा गर्मी ना लगे। मेरी अपनी भावना सी, उन्हां दी अपनी है। जब सारे मैं लै गया, दवान का टाइम हो गया, जब असि 19 या 20 राउंड अबाउट चाहे, महाराज कहते कोई रायता नहीं गया। मैं चुप कर गया भी महाराज नूं लग गया पता, यह अंतरजामी ने गल इन्हां ने ठीक है। महापुरशां कोल तां बहुत औखा रहना हुंदा, सासें बहुत करड़ी होया करदी है सेवा, जे बचन उल्टा निकल गया खात्मा, कुछ भी नहीं बचता। फिर सह सुभा कुछ कह दें, कहना मूर्खा की कर दें, मूर्खे हो जाऊ कमला हो जाऊ, कहण की देर है। चुप कर गया मैं, फिर भी दयालु सी, कह लगे कोई गरीब रह गया हुण। मैं क्या हां महाराज, कहते कौन है? मैं महाराज वह ना तो है। कहते घर कितने है? मैं महाराज मैं तो पूछया नहीं, ध्यान दे नाल घर कितने है। कहते असि तो वे घर जाना। मैं महाराज दवान का टाइम हो गया। कहते हो जाए जिन्ना होंदा सी उहदे घर जाना, पता कर उतर के घर कितने है। हुण मैं हैरान ना, मैं वह बंदे नूं पहला देखिया, सिर्फ नौ मेरे कोल सी, यह भी सीगा भी इस सैक्टर च रहिंदा। उस वेले मैं परेशान होया, मेरे चेहरे वाल महाराज ने देखिया, कहिंदे गड्डी कढ़ाओ इत्थे उतर के आपे टोल के लियाओगे। मैं कहा चलो देखी जाऊ, हौली हौली घरे फिरदे आ, कोई दसे दऊगा। इन्हे नूं महाराज जी जब मैं उतरन लग्या, कहिंदे ओह तां नहीं है जिहड़ा सामने है। मैं कहा जी ओही है, वह सैकल ते मूहरे असीं पिछे घर लै गया। उत्थे जाके जद असीं गए तां उहने बहुत सोहना सजाया होया तख्त बनाया होया, जिमें तख्ते ताऊस हुंदा, फुलां नाल गुंदिया पिया उपर, जिमें रथ हुंदा ऐ फुलां नाल बनाया। कहिंदा महाराज विच बह जाओ, विच बैठ बिठा के फोटोआं खिंचण लग। इन्ने उहने कोके कोले मंगाए होए, सब नूं पुलाई जावे, पता ही ना लगे, पैर ना लगे धरती ते। मैनूं कहिंदा तुसीं तां मेरे ते बड़ा उपकार कीता अज, महापुरशां नूं मेरे घर चरण पा ते। मैं कहा ना प्रेमिया, मैं नहीं करिया, अज तां महाराज ने करदा, मैं तेरे घर लियाउंदा ही नहीं सी। मैनू पता सी भी ये कोठे ते किवें चढ़नगे, पौड़ियां छोटे छोटियां। कहिंदा मैनू यही गल आई, कहिंदे सीगे मरले वाले भी तेरे कित्थे आउणा है, वो तां बड़े बड़े वजीरां दे गए ने, अज तू एक गरीब माली तेरे किवें आ जाणगे। कहिंदा मैं क्या मैं खूह छाल मारूं जे ना आए। जद मैं इन्नी गल सुनी, मेरे तां पैरां थल्लों मिट्टी निकल गई। मैं कहा हे वाहिगुरू, ताही हथ दे के रख लिया अज मैनू, ਇਹ ਜੇ ਸੱਚੀਓ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਆਵੇ ਤਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਨ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਾਹ ਚਲਾ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਵੇ ਤਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਟੋਭੇ ਚ ਛੱਪੜੀ ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਚ ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੱਝ ਲਿਬੜ ਗਈ ਉੱਚੀ ਤੇ, ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਵੀਏ ਸਾਡੇ ਛੱਪੜੀ ਭਰ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਕੇ ਟੋਭਾ ਭਰ ਗਈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਟੋਭੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉਛਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਬੰਨਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
देग तैयार करी, रावी दे कंडे चले गए, देग रख दिती ते नाल दरिया वल नू देख के कहन लगे, याद है ना तेरे गुरु नानक का वचन।